గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ మైనారిటీస్కి లియర్ 71 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ శాంక్షన్కి ఈ స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్మెంట్కి లియే ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ స్టార్ట్ హా ఇస్మే ఆన్లైన్ ఎన్రోల్మెంట్ స్టార్ట్ హో గ్యా చల్ రా అభి తక్ 3000 అప్లికేషన్ ఆ చుకే హే ఇన్షాల్లా ఇన్ ఫ్యూచర్ మే బి జ్యాదా సే జ్యాదా అప్లికేషన్ ఆనే కా ఛాన్సెస్ హే అగర్ అప్లికేషన్స్ కమ్ హువా తో ये डेट एक्सटेंड करने के लिए भी हम लोग सोचेंगे. अभी तक फिलहाल 15th मई इज द लास्ट डेट है. अगर एनरोलमेंट कम हुआ तो उसको जरूर हम एक्सटेंड करेंगे. सर, इसको ऑनलाइन के अलावा पर्टिकुलरली बाय हैंड एप्लीकेशंस देने के लिए कहीं कुछ ऑफिस वगैरह, इसलिए हज हाउस में एक सेपरेट एनरोलमेंट सेंटर ओपन करेंगे जी, पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए. इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में भी हर जगह वेयर एवर स्कूल्स हम सैंक्शन किए हैं, हर लोकेशन में एक कंप्यूटर सेंटर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर खोले हैं. इसमें अदर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी मदद कर रहे हैं, लाइक जकात ट्रस्ट, सियासत, ऐसा हर चीज़ के वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मदद कर रहे हैं. बिल्डिंग सिलेक्शन सिटी, बिल्डिंग में 99% बिल्डिंग ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं. उसमें रिपेयर वर्क्स भी चालू हो रहा है, मे बी विद इन ए मंथ में पूरा का पूरा बिल्डिंग रेडी हो जाएगा. ये हमारा एम है, जस्ट लाइक अदर गवर्नमेंट स्कूल जैसा स्टार्ट करने का नहीं, ये स्कूल से एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस रहेगा. उसमें बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज रहेगा, बेस्ट टीचर्स रहेंगे, बेस्ट फूड अवेलेबिलिटी रहेगा, हर चीज़ में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस रहेगा. इसमें गवर्नमेंट 80,000 रुपीज़ एक स्टूडेंट्स को खर्च करने के लिए तैयार है. अच्छा फैसिलिटीज़ मिलेगा माइनॉरिटीज़ के लिए, इतना बड़ा कदम काम भी नहीं हुआ अभी तक इंडिया में. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, तेलंगाना में माइनॉरिटीज़ के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट प्रोग्राम हो रहा है माइनॉरिटीज़ एजुकेशन के लिए. ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है माइनॉरिटीज़ के लिए. ये अपॉर्चुनिटीज़ को पूरा का पूरा ये फ़ायदा लेने के लिए आप सबको मैं गुजारिश करता हूँ, ये बेस्ट अवेलेबल बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करने के लिए. सर, इसमें टीचर्स कैसे रहेंगे? सर, टीचर्स रिक्रूटमेंट विल बी डन बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन. अगर उसमें डिले हुआ तो आउटसोर्सिंग में भी लेने के लिए हम प्लान कर रहे हैं. उसका फैसला भी मंडे बोर्ड मीटिंग में हम लेंगे. उनको रिक्रूटमेंट करने के बाद उनको अच्छा सा ओरिएंटेशन करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इसलिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं.